बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपके साथ मैं सऊदी अरेबिया में एक पानी वाली बैट चलाते हुए भाई से आज मिलवाना क्या चाहता हूँ यार। उनकी कुछ पिक्चर वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। एक जो वाक़ा जो पेश आया इनके साथ, इनकी तरफ से यानी कि एक सऊदी फैमिली की जान बचाई गई है और उसके ऊपर इनको एक मैं बोलता हूँ दुनिया के बेहतरीन किस्म के इनाम से नवाजा गया है। वो क्या है आपको यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ मैं। सबसे आपको सबसे पहले तो परदेशों को पता है जी, सऊदी अरब में जो पानी वाली बैट चलाते हैं भाई, बैट के मतलब अगर आप आउट ऑफ किंगडम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, पानी वाली टैंकी जो होती है वहाँ पर खजान बने, यानी कुएँ बने होते हैं घरों के बाहर, उसमें पानी डाला जाता है, वहाँ से इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान जैसा निज़ाम नहीं होता है। बहरहाल जी, ये पानी वाली बैट वहाँ पर चलाते थे और ये रोड के ऊपर ही जा रहे थे और इन्होंने देखा एक साइड पर एक गाड़ी में आग भड़क उठी है और गाड़ी में फैमिली भी मौजूद है। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता था जो कि पाकिस्तानी था, अभी पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात सुनते जाइए, वो भी पानी वाली बैट ही चलाते थे और बाद एक सऊदी के घर के बाहर पानी वाली बैट उसके कुएं में खाली करने गए खजान में, तो सऊदी बच्ची थी उनकी छोटी एक, उससे ऐसे लाड प्यार करने लगे हैं थोड़ा, तो उसकी वालदा ने देख लिया और उसने शुरता बुला लिया। उसने बोला ये नहीं जी, ये लाड़ प्यार नहीं था मेरी बच्ची से, ये तो मेरी बच्ची को अगवा करने वाला था। शुरता उसको पकड़ कर ले गया है, उसकी सुनी नहीं गई है, कई माह जेल में रखा गया है, उसके बाद उसको अभी डीपोर्ट किया गया है। तो फिर भी मैं बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जान बख्शी होगी और वो पाकिस्तान में अपने घर में खैर वाफियत से पहुँच चुके हैं। ऐसे मामला भी होते हैं, आपको पता है जी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देख कर चलना पड़ता है। अच्छा जी, फैमिली जो थी कार में वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, ये इन्होंने अपनी बैट फौरन एक साइड पर रोकी है और फैमिली को बाहर निकाला है, उनकी मदद की है अपनी जान पर खेलते हुए। बाद में अपनी जो इनकी बैट वगैरह टंकी थी पानी वाली, उसका जनरेटर ऑन किया और पानी से गाड़ी भी यानी गाड़ी को पानी लगाया, आग वगैरह बुझा दी है। सऊदी फैमिली की तरफ से इनको काफ़ी सराहा गया है और बाद में इनको एक बहुत ही दुनिया के बेहतरीन इनाम से बोल रहे हैं आप। वो कैसे है जी, यहाँ पर पिक्चर आप देख रहे हैं, इनको इनकी फैमिली समेत जो 2023 में हज जाने वाला है उस हज पर बुलाया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, जो कि इनकी माली मदद होगी वो सऊदी फैमिली की तरफ से जो भी की गई है वो सोशल मीडिया पर वो खुद से ही नहीं लाते हैं, और उसके बाद हज इनकी फैमिली समेत इनको शाही मेहमान आप बोल सकते हैं, शाही मेहमान के तौर पर इनको बुलवाया जाएगा और जो भी खर्चा होगा हज का यहाँ पर और वहाँ पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से मुराद ये कि पाकिस्तान से यानी कि टिकट वगैरह जो भी, वो तमाम तर शाही खानदान के जुम्मे में होगा, यानी कि सऊदी गवर्नमेंट खुद से उठाएगी। ये शाही मेहमान होंगे 2023 में सऊदी गवर्नमेंट के। तो माशाल्लाह दुनिया के बेहतरीन इनाम से इनको नवाजा गया है। मैंने बोला आपके साथ भी शेयर करता चलूँ, पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में रहते हैं खासकर उनके लिए। तो भाई बात ये है जी कि ऐसी अमदाद तो करनी चाहिए, लेकिन जो मैंने आपको पहले बात बताई है वो बंदे की, ऐसे मामलात में बहुत सोच समझ कर काम करना, यानी कि आपको बहुत सोचना चाहिए कि अगर कोई भी किसी किस्म का हम लाड प्यार किसी बच्चे के साथ ही करने लगे हैं, आपको पता है ये लोग कैसे किस टाइप के हैं, बाद में आपके लिए मुश्किल हो सकती है।